और चलिए हम आपको धनबाद की एक तस्वीर दिखाते हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उससे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि आखिर कोरोना क्या ऐसे काबू होगा। जी हाँ, धनबाद के निजी लैब पैथकाइंड का कारनामा सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव को निगेटिव बता रहा था पैथकाइंड और कर्मचारी विकास और बीएलई गौतम पर एफआईआर होगी इस मामले को लेकर। पैथकाइंड लैब की जमानत राशि जब्त होगी। आरटीपीसीआर की जगह आरएटी जांच कर रहा था पैथकाइंड। पैसों के लिए जिंदगी से खेल रहा था पैथकाइंड लैब। क्या हर जिले में सक्रिय है ये गिरोह? पॉजिटिव को नेगेटिव बताने वाला लैब, कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव बताने वाले लैब की जांच हो। स्वास्थ्य विभाग ऐसे लैब संचालकों पर सख्त कार्रवाई करे, ये मांग की गई है। तो ये जो तस्वीर सामने आई है पैथकाइंड लैब की, क्या इस तरह से कोरोना काबू में किया जा सकेगा जहां पर पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बताया जा रहा है? हालांकि अब यहां काम कर रहे कर्मचारी और उस पर एफआईआर होगी ये कहा जा रहा है और पैथकाइंड लैब की जमानत राशि भी जब्त होगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सहयोगी अरुण बर्नवाल, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, ये बड़ा उलझा हुआ सा मामला है। देखिए, एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस बीमारी से, महामारी से परेशान है, ऐसे में पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बताकर और सिर्फ पैसों के लिए। देखिए आरती, अब ये जो देश में क्या पूरे विदेश में जो कोरोना का जो दूसरा लहर दौर चढ़ पड़ा है और देश में और राज्य में जिस तरह की तैयारियां सरकार ने, प्रशासन ने अपने स्तर से की है कि ताकि किसी तरह का इसका संक्रमण फैले नहीं और जो भी संदिग्ध है उसको जांच किया जाए। और धनबाद जिले में तो एक नया आदेश उपायुक्त ने जारी कर दिया है कि पहले जो होम आइसोलेशन की सुविधा मिलती थी वो उस पर बंद कर दिया गया है। 35 साल से ऊपर के लोगों को ही यहाँ होम आइसोलेशन मिलेगी और वैसी स्थिति में ये जो एजेंसी है पैथकाइंड, जिसे सरकार की ओर से अधिकृत किया गया था जांच के लिए और आरटीपीसीआर के माध्यम से जांच करना था, जिसमें उनको कोरोना की जांच करनी थी आरटीपीसीआर के माध्यम से, लेकिन ये जो एक सिंडिकेट बनाकर ये जो विकास जो मेन आरोपी आ रहा जा रहा है, ये पैथकाइंड डायग्नोस्टिक सेंटर नाम कर अपना निजी एक एजेंसी चला रहा था और इसमें वीएलई गौतम के माध्यम से कलेक्शन को कलेक्ट करके उसको सिर्फ एंट्री कर दिया जा रहा था एसआरएफ में, क्योंकि आरटीपीसीआर की जांच के द्वारा को ही मानता है विभाग, मेडिकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग मानता है आरटीपीसीआर की जांच को, ये उसमें सही से पता चल पाता है कि ये संक्रमित है या नहीं, और उसको वीएलई गौतम के माध्यम से जनरेट करा दिया था एसआरएफ नंबर और उसको आरएट रैपिड टेस्ट के माध्यम से उसकी जांच रिपोर्ट तैयार करके उसको नेगेटिव करार दे दिया जा रहा था। तो पूरी तरह से कहें तो ना सिर्फ लोगों की वो परेशानी बढ़ा रही जा रही थी, लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा था, बल्कि वैसे लोग जो चाह रहे थे जो कहीं जाना है और आनंद फानन में नेगेटिव टेस्ट उनको चाहिए, वो पैसे देकर इसका काम करते थे। अब इसके कारण वो वीएलई गौतम को भी 400 रुपये मिलते थे प्रति टेस्ट के और वो तो जो रेट है उसके माध्यम से वो पैसा उगाही करता था। अरुण, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि एक रिपोर्ट नेगेटिव गई, दिक्कत ये है कि अगर वाकई वो शख्स पॉजिटिव है तो उसके संपर्क में आने वाले कितने लोग इन्फेक्शन उनको होगा और फिर वो कोरोना संक्रमित होंगे और उसके बाद ये दायरा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दिक्कत अगर सिर्फ एक रिपोर्ट की होती तो उसे सुलझाया भी जा सकता था, लेकिन ये मामला इतना उलझा हुआ है कि ये चेन को बढ़ाता चला जाएगा, जिस पर बहुत हद तक एक बहुत मुश्किलों के बाद काबू पाया जा सका है ऐसे हालात पर। देखिए आरती, मैं वही कह रहा था, ये जो जिस तरह का जो ये सिंडिकेट काम कर रहा था, कितने लोगों को इसने इस तरह के रिपोर्ट जारी कर दिए होंगे और अगर वो व्यक्ति संक्रमित है और उसे नेगेटिव बना दिया गया तो उससे जो जिस तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से इसे काबू करने का है वो नहीं हो पाएगा और इसका चेन जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो फिलहाल प्रशासनिक टीम ने इसकी जांच की, इसके शिकायत मिलने के बाद और इसका खुलासा हुआ है और बीएलई जो गौतम है उसने अपनी पूरी जो है जाँच, इसमें जो आरोप लगे हैं उस पर उसको स्वीकार कर लिया है। विकास के खिलाफ और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रशासन ने तैयारी कर रखी है और इसमें कहें तो जो पैथकाइंड का जो सिक्योरिटी मनी है उसको रद्द किया जाएगा, उसकी जो जांच करने का जो दी गई है उसको रद्द करते हुए उसके सिक्योरिटी मनी को भी जब्त करने का काम यहां जिला प्रशासन ने कर दिया है और आज संभवतः इनके खिलाफ एफआईआर करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कहें तो एक बहुत ही
गंभीर बात है कि इसके लिए कि इस चेन को प्रसार रोकने के लिए। मामला भले ही एक पैथोलैब का सामने आया हो, एक लैब से ये चीजें, लेकिन ये एक नेक्सस होगा, क्योंकि देखिए रिपोर्ट अगर आरटीपीसीआर की कहीं से आती होगी, फिर यहाँ पर डेटा उसका चेंज किया जाता होगा, रिपोर्ट बदली जाती होगी और उसके बाद जाकर ये रिपोर्ट दी जाती होगी, तो ये एक पूरा नेक्सस काम कर रहा होगा। ये महज एक लैब की बात होगी नहीं, अब ये कनेक्शन तलाशना होगा विकास का, पैथकाइंड का। देखिए निश्चित रूप से सरकार ने तो सिर्फ पैथकाउंट को ही इसके लिए आरटीपीसीआर जांच के लिए सरकारी स्तर के अलावे, पैथकाइंड ही एक ऐसी एजेंसी थी और बाद के दिनों में लाल पैथ को भी इसको अधिकृत किया गया था कि वो आरटीपीसीआर के माध्यम से कोविड-19 की जांच कर सकते हैं। तो इसमें दूसरे जो अन्य लैब हैं वहां तो उनको सिर्फ रैट के रैपिड टेस्ट के माध्यम से ये रिपोर्ट करना था, लेकिन मुख्यतः कहीं अगर आपको जरूरी जाना है या कहीं इसके बारे में पूरी तरह से पुष्टि करनी है तो वो आरटीपीसीआर के माध्यम से ही, जांच के माध्यम से ही पता चल पाएगा कि आप कोविड आपके पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो वैसी स्थिति में पैथकाइंड का पूरी तरह से इसमें उसका जो विकास जो है वो पूरी तरह से दोषी है और इसके कारण कितने लोग का प्रसार बढ़ा होगा ये तो आगे जांच की बात होगी। जी बिल्कुल जांच की बात होगी, लेकिन क्या जिस तरह से आपने बताया कि उसने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ यहाँ पर गड़बड़झाला हो रहा था, क्या और कुछ सुराग लग पाया है अरुण की आखिर इनके साथ कौन कौन शामिल थे, रिपोर्ट्स कहां से यहां पर आ रहे थे, और अब तो ये भी तलाशना होगा अरुण कि यहां से जो रिपोर्ट्स रिलीज किए गए हैं वो किनको किनको दी गई हैं और जिन पॉजिटिव को नेगेटिव बताया क्या है वो शख्स कौन कौन है, क्योंकि अब ये खंगालना बहुत जरूरी होगा प्रशासन के लिए। देखिए जिला प्रशासन ने आरती इसको गंभीरता से लिया है और विकास और गौतम के बीच जो व्हाट्सएप से जो चैट हुए हैं उसकी पूरी विवरणी, इस जांच से संबंधित पूरी विवरणी जिला प्रशासन ने हासिल कर ली है। व्हाट्सएप में चैट के माध्यम से जिस तरह का ये इन दोनों के बीच में पूरा खाका तैयार करके बताया जाता कि इस आदमी का ये सैफ जनरेट करना है आरटीपीसीआर के लिए जबकि उसको रिपोर्ट रैट से देना है, तो वो पूरा विवरणी जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में कर लिया है, उसको मिल गई, उपलब्ध हो गई है और अब आगे की जांच की जा रही है कि किसका किसको रिपोर्ट जारी किया गया और उनकी क्या स्थिति है। इसमें बहुत इतना बड़ा गड़बड़ झाला किया गया था आरती कि डिवाइस कहीं और उसका लोकेशन कहीं और दिखाया जाता था, जो वहाँ डिवाइस वहाँ जहाँ झरिया में सैंपल लिया जा रहा है, सिंदरी में सैंपल लिया जा रहा है, झरिया के पकरहट्टा में सैंपल लिया जा रहा है, जबकि डिवाइस कहीं और होता था। तो ये पूरा नेक्सस जो है ये विकास और गौतम के बीच का ही इसमें मेन एक्यूज है अब, लेकिन जाँच के बाद इसमें कुछ और लोगों के भी संलिप्तता होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल पूरी संभावना है अब, और ये स्वास्थ्य विभाग के लिए अब एक चुनौती होगी अरुण वहां पर कि जिनको रिपोर्ट्स दी गई हैं और जिनको फेक रिपोर्ट्स रिलीज की गई हैं वो कौन हैं, कहां पर हैं, और अगर उनका मूवमेंट हो रहा है तो फिर वहां पर कितने लोगों से वो संपर्क में आए हैं, ये तमाम चीजें अभी एक चैलेंज है वहां पर भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। देखिए निश्चित रूप से ये तो बहुत ही चैलेंज वाला काम इन्होंने कर दिया है, क्योंकि अब जब विवरणी मिली है उस चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से लिस्ट जो तैयार इन लोगों ने किया था, वो लिस्ट जो मिली है अब उसके पूरे आइडेंटिफाई करना होगा जिसने यहाँ वहां से टेस्ट करा के इस तरह के नेगेटिव रिपोर्ट लिए हैं और उनकी जांच के बाद, मतलब एक लंबा काम मिल गया है स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग जहां दूसरी ओर जो कोरोना का जो दूसरे लहर है उसको रोकने के प्रयास में लगा हुआ, अब एक नया काम उसे मिल गया है, पूरी विवरणी का उसको छानबीन करके उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद जितने भी कोरोना नेगेटिव के रिपोर्ट मिले हैं उनकी जांच करके क्या स्थिति है वो देखा जाएगा। तो कहें तो एक काम तो चैलेंज के रूप में बढ़ा दिया गया है स्वास्थ्य विभाग को इस पैथकार्ड ने, जिस पर विश्वास किया गया कि वो लोगों को इस संक्रमण को रोकने में काम करेगा और उसे अधिकृत किया गया कि आप आरटीपीसीआर के माध्यम से जांच करके इसके वस्तुस्थिति से अवगत कराएं, वही जब गोलमाल कर रहा है तो फिर आगे का क्या होगा। जी बिल्कुल अरुण, लेकिन देखिए कोरोना की जंग में सबसे अगर प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी किए या फिर सरकार ने जितनी कोशिशें की उसमें ज्यादा हिस्सा जो आम लोग हैं उनकी सक्रियता भी रही, उनकी जागरूकता भी रही, और ये जागरूकता कम से कम यहां पर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगर हम कोरोना पर काबू पा सके तो सबसे बड़ा यही रहा, ये पहल रही कि लोगों ने इसे समझा और एहतियात बरते, लेकिन यहां देखिए लोग खुद से अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हैं, अगर वो रिपोर्ट फेक अगर ले रहे हैं तो ये उनको भी समझना होगा कि ये सिर्फ उनके लिए, वो रिपोर्ट फेक नहीं ले रहे हैं बल्कि वो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी देखिए वो अपनी जिंदगी से नहीं, अपने परिवार जिनके संसर्ग में है, एकदम पूरा
क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स और समाज को पूरे इस तरह का, अगर वो संक्रमित निकल गए तो पूरे समाज को इससे संक्रमण फैलाने का खतरा है। तो ये इस पे चेक करने की बहुत ही नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि आनन फानन में जिसे रिपोर्ट चाहिए वो जाके, और वो भी रिपोर्ट क्या नेगेटिव चाहिए, उसके लिए मैंने अगर जल्दबाजी आपको है तो आप रेट के माध्यम से करिए, लेकिन हमको अगर जल्दीबाजी कहीं कोई रिपोर्ट सबमिट करना है और नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट करना है तो उसके माध्यम से, विकास के माध्यम से जाइए आप, वहाँ उसका जो तय राशि है उसका भुगतान कीजिए, उसमें गौतम है जो वीएलई उसको उसका हिस्सा मिलेगा 400 रुपए, उसके बाद आपको नेगेटिव रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगी। तो ये कहे तो अगर हम, मैं संक्रमित हूं और मुझे आनंद फानंद में कहीं देना है और नेगेटिव रिपोर्ट ले लिया है तो मैं न सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं बल्कि अपने परिवार दोस्त मित्र और समाज को भी इसके संक्रमण को प्रसार में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो इस पे निश्चित रूप से प्रशासन को भी कड़ी और कार्रवाई करने की जरूरत है। एफआईआर तो अब आज संभवतः हो जाएगी और उसके बाद और कड़ी कार्रवाई करके पूरे इस नेक्सस को तोड़ना होगा, अन्यथा कोरोना का संक्रमण का प्रसार जो है धनबाद जिला में रोकना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है वो कितना भयावह है, अंदाजा लगाइए कि ब्रिटेन के लोग परेशान है और यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव पाए गए हैं इंडिया में भी, लेकिन अब ऐसे हालात में इस तरह से फेक रिपोर्ट बनवाना और उसके बाद मूवमेंट करना, और इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझ रहे, अपने परिवार के, अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे, तो ऐसे तो हम कोरोना से जंग कभी जीत नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से देखिए कोरोना के लिए जिस तरह का केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन ने जिस तरह की उसको प्रसारण के, प्रसार के रोकने के लिए पूरी कमर कस दी और लगातार मुहिम चलाया जा रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या बाहर से अगर कोई आया हो, ऐसा हो अभी ब्रिटेन में जो नया, जैसे आपने बताया दूसरा जो लहर आया है और उसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिला है, तो बहुत अगर इस तरह की लापरवाही होगी और इस तरह के गड़बड़ जाले होंगे तो उसका रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही मालिक है। जी चलिए कोई बात नहीं, ये लेकिन बहुत सोचने वाली बात है अरुण, और ये भी एक बहुत ही संजीदा मसला हो गया कि अगर आप सिर्फ चंद पैसों के लिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये कितना गंभीर मसला है, और साथ ही उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर रिपोर्ट्स नेगेटिव ले रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका पूछ लेते हैं क्या कुछ है, क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, जी बताइए क्या कुछ कहना है। मैं रांची से बोल रही हूँ, ऐसी कई बार हुआ है, मैंने खुद एक बार टेस्ट कराने गई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पहले तो घर पे ही रहो और हम आकर वहाँ से आपको टेस्ट कर देंगे, जबकि बगल वाले एक जो लैब थे वहाँ मुझे ये टेस्ट करवाया गया। उसके बाद लोगों के बीच ये भीड़ भी देखी गई कि वो लोग चाह रहे थे ये कि मैं आपका अगर पॉजिटिव आता, अगर आपको सर्टिफिकेट दिखानी है तो मैं आपको नेगेटिव करके दे दूंगा। तो ये तो बहुत गलत सी, सरासर गलत सी बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये तो सबके लिए महामारी है और इससे बचने की कई सारे उपाय ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो धांधली का ऐसा खेल खेला जा रहा है पैसों के लिए। बिल्कुल, पैसों के लिए कैसे खेल चल रहा है। देखिए ये पैटकाइन का मसला तो हमने दिखाया, ये रांची से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी बता रही थी कि उन्हें बस यही कहा गया कि आप पैसे दो और रिपोर्ट नेगेटिव ले लो। तो ये पूरा खेल चल रहा है, एक नेक्सस चल रहा है महामारी के नाम पर, लेकिन पैटकाइन का खुलासा हो चुका है और यहाँ के कर्मचारी पर आज FIR भी होगी, साथ ही पैथकाइंड लैब की जो जमानत राशि है, जो सिक्योरिटी मनी होती है, वो भी जब्त कर ली जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ एक लैब का नहीं, ऐसे पूरे नेक्सस है एक पूरा, ऐसे कई लैब चल रहे हैं जहां पर इस तरह से रिपोर्ट्स का गड़बड़ झाला हो रहा है, और सबसे सोचने वाली बात यह है कि लोग अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे फेक रिपोर्ट्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पैथकाइंड लैब की करतूत हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना महामारी को लेकर जो रिपोर्ट्स लेने आते हैं वो कैसे यहाँ पर रिपोर्ट्स बदल दी जाती हैं और जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है।